यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में एक नागरी समस्या से लोग काफी त्रस्त है। यह जो समस्या है वह हिंदी फिल्म शोले फिल्म के एक महत्वपूर्ण किरदार से काफी मेल खाती है। आखिर क्या है ये समस्या, आइए सुनते हैं दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की जुबानी। दिग्रस शहर के आर्नी नाका परिसर का यह पुराना पुल बरसों से राहगीरों और वाहन चालकों को इस पार से उस पार पहुंचने में मददगार साबित होता रहा है, लेकिन आजकल इस पुल की जर्जर हालत से यहां से गुजरने वालों के लिए सहूलत से ज्यादा यह पुल आफत का सबब बन गया है, क्योंकि बीते 22 जुलाई को आई बाढ़ में यह पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। तेज रफ्तार बाढ़ के पानी के दबाव ने इस पुल की बखिया उधेड़ कर इसे तहस नहस कर दिया था। इस बाढ़ में इस पुल पर लगी रेलिंग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कठड़े कहते हैं, वे बाढ़ में बह गए। इस समस्या को लेकर संबंधित प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक स्वयंसेवी संस्था ने पुल के रेलिंग बनाने की मांग भी उठाई थी, लेकिन अब तक संबंधित विभाग ने इस समस्या को हल करने को लेकर किसी तरह की कोई पहल शुरू नहीं की है। 22 जुलाई के रोज वहाँ पे समझ लो महापुर आया था डिग्रस शहर के अंदर। उसके बाद में हमने देखो तकरीबन 11 अगस्त को PWD के अपने अभियंता साहब जो है उनको हमने निवेदन दिया था कि भाई उसको कटघड़े दोनों साइड से लगाने में, तो उनका हमको रिप्लाई मिला था कि भाई वो जो अरिना के का पुल है वो पुल हमने राष्ट्रीय महामार्ग को सुपुर्द किया हुआ है, भले वो मसला नहीं है, लेकिन आज जो है आज समझ उसको कम से कम 1.5-2 महीने उसको बीत चुके हैं। वहाँ से हर रोज समझ स्कूल के छोटे विद्यार्थी, छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, ग्रामीण विभाग से भी लोग वहाँ पर आते हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वहाँ पे जल्द से जल्द दोनों साइड में कचड़े लगाए जाए ताकि कोई जीवित हानि ना हो, और आगे कुछ समय में ईद मिलाद का बड़ी तादाद के अंदर जुलूस निकलने वाला है। उसी तरीके से आगे गणेश उत्सव की दोनों भी मिरनुक स्थापना की और विसर्जन की दोनों भी मिरनुक वहीं से जाती है, और उस पुल पर से कमी रोज हजारों लोग वहां से यातायात करते हैं। हमारी फिर से सेवा फाउंडेशन की ओर से विनंती है कि वहां पे जल्द से जल्द दोनों साइड से कठड़े लगाए। इस पुल से गुजरने वाले स्कूली बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो या वाहन चालक हो, उन्हें एक तरह से जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से वे इस पुल पर रेलिंग के निर्माण की मांग कर रहे हैं। शाळेत लहान मुलं, म्हातारे माणसं, गाड्या, मोटरसायकल सातत्याने पुलावरून वाहने चालू असतात, त्याबद्दल प्रशासन दरबारी समस्त नागरिकांतर्फे मी किरण परमेश्वर रुपाडे मागणी करतो की या पुलाला महापुरामुळे जे नुकसान झाले त्यामुळे त्यांना कटाळे बसवण्यात यावी अशी मी शासन दरबारी विनंती करतो। ये पूल जो है ये पुराना पूल है, इस पे से हजारों लोगों का आना जाना गुजरना है, और इस पूल की जैसे कि बच्चे वगैरह स्कूल के काफ़ी आना जाना है, और काफ़ी बच्चे छोटे छोटे इस पुल पे से आना जाना करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट से, सरकार से, नगर परिषद से गुजारिश है कि इस पुल की जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। कुल मिलाकर यह पुल अपनी जर्जर अवस्था के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। यह पुल दिग्रस वासियों के लिए भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रहा है। एक तरह से यह पुल शोले फिल्म के ठाकुर बलदेव सिंह की तरह असहाय नजर आ रहा है। मानो जैसे 22 जुलाई को बाढ़ की शक्ल में आए डाकू गब्बर सिंह नामी तूफान ने इस पुल की रेलिंग का हश्र हाथ कटे हुए ठाकुर के जैसा कर दिया है। दिग्रस शहर के आर्नी नाका परिसर का ये जो पुल है, इस पुल की दुरावस्था को देखकर शोले फिल्म का जो एक महान किरदार है ठाकुर बलदेव सिंह, उनकी याद आ जाती है। शोले फिल्म में भी ठाकुर बलदेव सिंह की जिंदगी में गब्बर नाम का एक तूफान आता है जो उनके हाथ काट देता है, छाट देता है और उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। इसी तरह से 22 जुलाई 2023 को जो एक बाढ़ आई थी उसने भी गब्बर की तरह उग्र रूप धारण किया था, और ये पुल का जो परिसर है इसको उसने तहस नहस कर दिया था, और इस पुल के जो कठड़े जिसे रेलिंग कहते हैं वो एक हाथ की तरह हुआ करते थे इस पुल के, तो उसको भी उसने काट छाट दिया है। आप इस बात को व्यंग्य समझे या मजाक समझे, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है और राष्ट्रीय महामार्ग विकास है, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हजारों लोग रोज़ आना जाना करते हैं, और इसको अगर रेलिंग बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए वो बेहद ज़रूरी है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।